नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो दोस्तों, आप सबके बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कोई किचन के वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। तो बता दें दोस्तों, आप सब लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से तो जान ही गए हैं कि मैंने अपने गाँव छोड़ दिए हैं, इस वजह से मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रही थी। बट कोई नहीं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ शहर लाई हूँ, इस वजह से मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं गांव जाऊँ और वहाँ से देसी तरीके से जो मैं रेसिपी शूट करती थी वो आपको बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, आपको वही टेस्ट मिलेगा हमारे इस रसोई में। तो दोस्तों चलिए, आज मैं बना रही हूँ मेथी की बहुत ही मज़ेदार सी मठरी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले दोस्तों वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग मेरा यहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से आप लोग मेरा गाँव पर सपोर्ट करते थे यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। मैं आप लोग को अच्छी अच्छी रेसिपी बना के जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देर नहीं करते और फटाफट से मेथी की मठरी बनाना शुरू करते हैं। मेथी मैंने मंगा लिए थे खेत से, अपने खेत से ही, गाँव से, और मैं उसी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, मठरी बनाने के लिए ये हमने ले लिए हैं मेथी, और ये मेथी के मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं, इसके डंठल वगैरह सब निकाल दिए हैं। तो ये ताज़ी ताज़ी मेथी है, और इसके डंठल निकालने के बाद इसे हमने खूब अच्छे से धुल के और इसके पानी को देखिए सुखा लिए हैं। तो चलिए अब इसे अब हम महीन महीन कट कर लेते हैं। तो इसे मैं महीन महीन काट लेती हूँ और इसको इस तरह से हम जितना आपसे हो सके इसको इस तरह से महीन महीन कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम दबा के इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से चाकू की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेथी को हमने सब महीन महीन कट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये हमने लिए हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई को आंच पे चढ़ा दिए हैं, और इसमें हमने डाल दिए हैं एक चम्मच देसी घी। तो घी को अच्छे से पिघल जाने देते हैं। तो देखिए घी पिघल गया है, तो इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मेथी कट किए थे, ये सभी मेथी हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद हम इसे चलाते हुए मेथी को भून लेते हैं। इसे भूनने से क्या होगा कि मेथी का जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और मेथी में अगर थोड़े बहुत जो पानी लगे होंगे वो भी इसमें से कम हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि मेथी में अगर थोड़े से पानी लगे होते हैं और मेथी को आप कट करते हैं तो मेथी का कड़वापन जो है बढ़ जाता है। तो इसे हम थोड़ा भून लेंगे तो जो मेथी का कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे हम जो भी मठरी बनाएंगे वो बहुत टेस्टी लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, लगभग 2 मिनट हो गया है और मेथी को भी हमने अच्छे से भून लिए हैं। ये देखिए मेथी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है, तो मेथी में कोई भी मॉइस्चर पानी वगैरह देखिए नहीं है। तो अब हम गैस का फ्लेम करते हैं बंद। तो दोस्तों मेथी हमने भून लिए हैं, तो ये हम एक बर्तन लिए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। तो इस कटोरी से हमने एक कटोरी इसमें डाल दी है, तो ये हम डाल रहे हैं दूसरा कटोरी गेहूं का आटा, और इसी कटोरी के नाप से हम ये डाल देते हैं इसमें एक कटोरी सूजी। इससे क्या होगा कि जो हमारी मठरी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप अगर सूजी डालना चाहते हैं तो डालिए, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडी है तो ठंडी में ये मठरी हम बना रहे हैं। तो बाजरे का आटा वगैरह जो है गर्म तासीर की चीज़ होती है, तो वो आपको जो है काफ़ी टेस्टी लगेंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे। तो बट यहाँ पर हमने सूजी डाल दिए हैं, तो अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये कूटी हुई काली मिर्च है, ये काली मिर्च का पाउडर नहीं है, कूटी हुई है, ध्यान रहे कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम काली मिर्च का पाउडर बना देंगे तो जो मठरी हमारी है वो तीखा लगने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे कूट के डालेंगे, तो इससे जो है मठरी का जो है टेस्ट है वो बढ़िया आएगा। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे ये देसी घी, ध्यान रहे यहाँ पे आप घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारी मठरी खूब बढ़िया एकदम खस्ता बने उसके लिए हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। और इसे डाल के खूब अच्छे से जो है हम पूरे आटे में मिक्स कर लेते हैं। फिर ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम पहले चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घी बहुत अच्छे से जो है हमने आटे में मिक्स कर लिए हैं और आटा जो है देखिए बंधने लगा है। तो अब इसमें हमने जो मेथी भून के रखे थे वो डाल देंगे। तो हमने ये जो मेथी भून के रखे हैं ये ठंडा हो गया है, तो ये सभी मेथी हम इसमें डाल देते हैं। तो
इसमें डालेंगे ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर करेंगे। बता दें फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का हल्का तीखे के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें कलर आने के लिए। इससे मटरी का जो है कलर थोड़ा सुनहरा हो जाएगा, और मटरी में अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बता दें, ये मटरी वगैरह जो है चाय के साथ खाई जाती है, तो इसमें जो तीखापन होता है वो पसंद नहीं किया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें जो काली मिर्च है वो बेहतर है, क्योंकि काली मिर्च का तीखापन चाय वगैरह के साथ जो मटरी वगैरह जो चीज़ें हम बनाते हैं उसमें वो टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं इसमें मिर्च वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने इसमें काली मिर्च डाले हैं। तो अब अच्छी तरीके से ये जो मेथी है इसको हम मसल मसल के आटों में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, तो खूब अच्छे से जो है हम मेथी को मसल के आटे में मिक्स कर ले रहे हैं। भूनने के बाद क्या हुआ कि मेथी जो है इकट्ठी हो गई है, तो इसको अच्छे से हमें पूरे आटे में मिक्स करना है। तो मेथी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया सा आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आटे को हमें एकदम से नरम मुलायम नहीं गूंथना है, और बहुत इसे कड़ा भी नहीं गूंथना है, नॉर्मल हमें आटा लगाना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक आटा अच्छा सा आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें हमने जो सूजी डाले हैं वो भी अच्छे से फूल जाए। चलिए इसको रख देते हैं और अब हम इसका साटन तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लिए हैं देखिए एक कटोरी में लगभग 2 बड़े चम्मच के लगभग घी, और अब इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच मैदा। और यहाँ पे आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम डाल रहे हैं 2 चम्मच मैदा, और इसको डाल के खूब अच्छे से हम फेंट लेंगे। बता दें, यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, थोड़े से घी हमने और डाल दिए हैं, और अब इसे हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। और अब जो हमारा साटन तैयार हुआ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा साटन तैयार हुआ, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो चलिए इसको अब हम रखते हैं साइड में। तो लगभग 10 मिनट हमारे आटे को भी लगाए हो गया है, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब इसमें से हम तोड़ लेते हैं तरह से लोइयां। तो अब इस लोई को हम अच्छे से बेल के इसकी हम एक रोटी तैयार करेंगे। तो लोई को खूब अच्छे से पहले हम बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम रोटी बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इसे बेलेंगे, नहीं तो ये बेलन में चिपक जाएगा और अच्छे से नहीं बन पाएगा इसकी रोटी। तो चलिए इसकी हम एक पतली रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम आटा छिड़कते जाएंगे और फिर इसे बेल के तैयार करेंगे। रोटी हमने बेल के तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी किनारे हो गया, और किनारे का जो है ये थोड़ा मोटा है, तो ये किनारे का हम इसे हम चाकू से काट के निकाल सकते हैं। तो ये जो किनारे के पार्ट हैं ये सही से नहीं बन पाए हैं, या मैंने ज़्यादा लोइया ले लिए थे, तो आप यहाँ पे थोड़ा कम लीजिएगा ताकि ये पूरे चौके में आप इसको बेल सकें। तो मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए थे, तो जो मैंने ज़्यादा लिए हैं ये किनारे से, इसे मैं निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिए हैं, और ये देखिए, ये मैंने इतनी पतली रोटियां बेलकर तैयार किए हैं। तो ये हमने जो रोटियां बेल के तैयार किए हैं, तो इस पे अब हम ये लगाएंगे, ये जो हमने साटा तैयार किए थे इसको चम्मच या हाथ से जैसे भी आपको फैलाते बने पूरे आटे में अच्छे से जो है लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मटरी है वो परतों वाली बनेगी, और इसके परते भी बहुत ही अच्छे से खुलेंगे। ये देखिए, जितना अच्छे से आप पूरा लगा देंगे तो इसके परते बहुत ही अच्छे से खुलने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अब लगा दिए हैं। तो चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधा हमने इधर से फोल्ड कर दिए और आधा इधर से। अब इस पर भी हमको लगानी है। तो देखिए, ये आटा मैं, मुझे हाथ से लगाने में आसानी हो रहा है, तो इसे हाथ से मैं
लगा दे रही हूँ। और इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे, नहीं तो इससे ये अच्छे चिपक जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ और फिर इधर से फोल्ड कर रहे हैं, ये हो गया। और अब हम आटा लगा के इसे भी बेल लेंगे। सॉरी, देखिए ये खुल गया, तो इसे अच्छे से दबा देंगे तक ये खुलने ना पाए। और अब हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आटा लगाकर हमने इसको भी बेल लिए हैं। तो चलिए अब इसे भी हम फोल्ड करते हैं। तो इसे फोल्ड करने के पहले इस पर भी हम ये साटा लगाएंगे अच्छे से। तो देखिए, ये हमने इस पर भी पूरा साटा लगा दिए हैं। तो थोड़े से मैं आटे छिड़क दे रही हूँ और उसके बाद फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो एक लेयर और हमने फोल्ड कर दी है, उसके बाद इस पर भी हम इसको भी हम चिपका लेते हैं इस तरह से। मैं इसे हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से अच्छे से लगाते बन रहा है। ये लगा दिए हैं, अब इसके बाद इसको फिर से हम मोड़ देंगे, लेकिन इस पर भी हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। आटे छिड़कते जाएंगे, ध्यान रहे, नहीं तो ये फिर इसके परते खुलने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो ये मैंने चिपका दिए इस पर भी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लंबे में दबा के बेल लेंगे। चलिए इसको मैं बेल लेती हूँ। मेरा चौका जो है थोड़ा छोटा है, तो इसको मैं आधे आधे करके इस तरह से बेल लेती हूँ। तो इस तरह से इसे हम लंबे में बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको बेल के तैयार कर लिए हैं। क्योंकि ये देखिए चौका थोड़ा छोटा है, तो मैंने इसे आधा आधा करके बेले हैं और जितना मोटा मुझे रखना था उतना मैंने इसे रख लिए हैं, ये देख लीजिए। तो चलिए अब इसे अब हम कट करते हैं। तो अब इसे हम पतला पतला कट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, ये मटरी हमने सब कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे अब हम फ्राई, तो दोस्तों चलिए अब हम मटरी को करते हैं फ्राई। तो मटरी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में हमने चढ़ा दिए है तेल, और तेल हो गया है अच्छे से गरम। तो तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो फिर आज का फ्लेम हम कर देंगे एकदम से धीमा। उसके बाद हम एक एक करके ये मटरी हम इसमें डालेंगे। बता दें, ये फ्राई करने के लिए मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किए हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर का तेल यूज़ करते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, तो इसीलिए हमने ये सरसों का तेल लिए हैं। आप तो जो पसंद आए आप वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटरी हम सिर्फ तेल में डाल दिए हैं, तो अभी से हम चलाएंगे नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। तो मटरी जैसे ही अंदर से सिकेगी तो ये फूल के अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो एक तरफ से थोड़ा हल्का सीख जाए तभी इसे हम दूसरे साइड पलटेंगे। तो ये देखिए, ये मटरी को हम अब पलट दे रहे हैं। और बता दें, आज का फ्लेम धीमा रखेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी मटरी जो है अंदर तक अच्छे से सिकेगी, क्योंकि हमने मटरी को कई लेयर में फोल्ड करके बनाए हैं, तो इसके लेयर अच्छे से खुल कर आएंगे जब ये धीमी आंच पर सिकेगा। तो अगर हम इसे तेज़ फ्लेम कर देंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से जल्दी से जल जाएगा और अच्छे से इसके परते नहीं खुलेंगी। तो इसे अंदर तक अच्छे से सिकाना है, क्योंकि हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किए हैं, तो इसे धीमी आंच पर सिकने देंगे। तो चलिए इसको सिकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटरी जो है बहुत ही अच्छे से हो गई है फ्राई। तो अब इसे हम तेल से कर लेते हैं अलग। तो देखिए, ये तेल से हमने कर लिया मटरी को अलग। तो बाकी की भी जो मटरी हैं वो हम सब कर लेते हैं जल्दी जल्दी से फ्राई। तो दोस्तों देखिए, हमने सभी मटरी फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, ये कितना बढ़िया जो है परतों में बनके एकदम से तैयार हुआ है।
और चलिए इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना जो है खस्ता बना है। ये देखिए कितना कुरकुरी और खस्ती बनी है। इसे हम एक या दो महीने तक स्टोर करके इसे रख सकते हैं और इसे सुबह शाम की चाय के साथ या यूँ कहे जब भी मन करे तब आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है और ये मेथी से बना है तो फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों देखिए मेथी की मठरी बनके एकदम से हो गया है रेडी। वाकई में ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप लंबे समय तक रख के खा भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो इसी तरह से रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं इसे खाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं इसे तोड़ के भी खाती हूँ। वाकई मैम बहुत अच्छे हैं।